गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास फर्स्ट. दिस इज योर थर्ड लेक्चर ऑफ सिक्स चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट. ओके, योर चैप्टर नेम इज अगली डकलिंग. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने आप क्या क्या बताया था, जो अगली डकलिंग थी वो कैसी हो चुकी थी, अब एक ब्यूटीफुल स्वान में चेंज हो चुकी थी. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्वान्स फ्लू अबव, एक मतलब जो स्वान था उनका पूरा ग्रुप फ्लाई कर रहा था ऊपर से. ठीक है, वॉट अ ब्यूटीफुल स्वान. तो ये जो फ्लाई कर रहे थे तो इन्होंने जब उसको देखा जो नीचे अगली डकलिंग थी उसने तो कहा कितना सुंदर स्वान है. ज्वाइन अस, वी आर गोइंग टू ए हैप्पी लैंड. चलो हम इसको ज्वाइन करते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं एक हैप्पी लैंड में. ओके, फिर क्या होता है देखिए आप. उसके बाद द अगली डकलिंग वॉज नाउ ए ब्यूटीफुल स्वान. अब जो अगली डकलिंग थी वो कैसी एक ब्यूटीफुल स्वान बन चुका था. ही फ्लू अवे एंड ज्वाइन द अदर स्वान्स, और वो किसके साथ उड़ गया, जो और स्वान थे उनके साथ ही वो उड़ गया. ओके, और उसने जो और ये जो ग्रे कलर के जो डकलिंग्स थे वो कह रहे हैं उससे गुड बाय. ओके, रिमेंबर चिल्ड्रन नो वन इज अगली, वी आर ऑल डिफरेंट. तो हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि कोई भी मतलब कोई भी अगली नहीं होता, वी आर ऑल डिफरेंट, हम सभी अलग अलग होते हैं. ओके, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपका आएगा ये एक्सरसाइज राइट ट्रू और फॉल्स. ओके, देखिए आपको ट्रू फॉल्स. द फर्स्ट एंड सेकंड डकलिंग वर येलो एंड फ्लफी, ट्रू. द अगली डकलिंग वॉज विग एंड ग्रे, ये भी आपका ट्रू है. द टू डकलिंग प्लेड विद द अगली डकलिंग, फॉल्स, उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था. ओके, द ब्राइट फीदर्स ऑफ द टू डकलिंग बिकेम डल व्हेन दे ग्रो अप. हाँ, जो दो डकलिंग्स थे जब वो बड़े हो गए तो उनके फीदर्स कैसे हो गए थे, डल और ग्रे कलर के. ओके, तो ये आपका ट्रू है. द अगली डकलिंग बिकेम ए ब्यूटीफुल स्वान, ये आपका ट्रू है. ओके, होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में हम आपको ये क्वेश्चंस दे रखे हैं. ठीक है, जैसे कि व्हाट कम आउट ऑफ द फर्स्ट एग, तो आपको बताना है मतलब जो फर्स्ट एग था उसमें से क्या निकला था. ए कैसी निकली थी, येलो एंड प्लफी डकलिंग केम आउट ऑफ द फर्स्ट एग. व्हाट डिड मदर डक एंड द डकलिंग कॉल द बिग ग्रे डकलिंग, मदर डक एंड द डकलिंग कॉल्ड हिम द अगली डकलिंग. ओके, डिड द टू डकलिंग लुक ब्राइट एंड येलो व्हेन दे ग्रे बिग, तो आपको जब वो बड़े हो गए तो कैसे डकलिंग लगती थी, ब्राइट और ग्रो, उनके फीदर्स कैसे हो गए थे, ग्रे कलर के, है ना, ब्राइट एंड येलो. तो आपको नो करना है, ब्राइट एंड येलो नहीं हुए थे, उनके फीदर्स ग्रे कलर के हो गए थे. व्हाट डिड द अगली डकलिंग ग्रो इंटू, द अगली डकलिंग ग्रो इंटू ए ब्यूटिफुल स्वान. ओके, अब आपका क्या है, थिंक एंड चूज द राइट आंसर. द वर्ड प्लफी मीन्स सॉफ्ट, विच ऑफ दीज आर प्लफी, प्लफी मीन्स सॉफ्ट होता है, तो इसमें से कैप या ये जो क्या है क्या है इसको क्या लेटने वाला जो गद्दा या ये कप, ये आपका क्या प्लफी है, तो आपको उस पर टिक करना है. ओके, क्रैक विच ऑफ दीज कैन मेक द साउंड, क्या क्रैक होता है तब साउंड होता है, एग बिस्किट या ये. ठीक है, आज आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता. ओके, थैंक यू क्लास.